अच्छा भाई, इन टुडेज लेसन वी विल बी स्टार्टिंग अप विद द आइडिया ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम अब मूव कर रहे हैं जरा इलेक्ट्रिसिटी की डोमेन के ऊपर, जो कि कंपैरेटिवली एक अच्छा बड़ा पोर्शन है हमारे पास। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये अच्छा बड़ा पोर्शन है जो जिससे आपके पास पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं और थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है। इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि पहले इसको डिस्कस कर लूँ, उसके बाद फिर यह है कि हम अगले पोर्शन की तरफ मूव करें। अच्छा भाई, देखो जब आप बात करते हो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ना, हमारे पास इस वक्त सिलेबस की जो तक तब्दीलियाँ आई हैं उसके लिहाज से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एज अ चैप्टर जो है ना, वो आपके पास से रिमूव हो चुका है। लेकिन जो चीज़ों का आपको पता होना चाहिए वो मैं स्टैटिक के अम्ब्रेला के अंदर आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए चार्जेस क्या होते हैं और चार्ज किसी ऑब्जेक्ट में लाया कैसे जाता है, डिस्चार्ज क्या हो जाता है, आपके पास अर्थिंग का मैकेनिज्म क्या है, यानी ये समझ लो कि जो फंडामेंटल्स हैं आपके पास स्टैटिक के, वो आपको यहाँ पता चल जाए कि भाई, क्योंकि आगे जो चीज़ पढ़ रहे होगे वो आप पढ़ रहे होगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट का जो फिनोमेना है वो तो आता ही चार्जेस की वजह से। अगर आपको यही नहीं पता हो कि चार्ज क्या होता है फिर तो आप फंस जाओगे यहाँ पे ना। तो इसलिए हमारा ये चैप्टर प्रॉबली आज की लेसन के अंदर वाइंड अप हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें यह डिस्कस करना है कि चार्ज फंडामेंटली कहाँ कैसे जाता है। देखो अगर आप बात करते हो सबसे पहले चार्ज के एक आइडिया के ऊपर, कि भाई चार्ज बाय फिजिकली बट आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर हैं, तो अगर आप बात करते हो भाई चार्ज की इन बेसिक टर्म्स, तो हम कहते हैं कि भाई इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस a body to experience force in an electric field. ये कैसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने पर उसे मजबूर कर देती है? देन टेक्स्ट मी आफ्टर क्लास बेटा, फिर हम बात कर लेते हैं इस मौजू पे। सी अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस द बॉडी टू एक्सपीरियंस फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चीज को आप बेसिकली चार्ज बोलते हो। बाय नेचर हमारे पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, जिसकी की वजह से हमने एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव चार्ज बोला। पॉजिटिव नेगेटिव तो हमने नाम दिया, याद रखना। ऐसा कोई लिटरल नहीं था कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर कोई पॉजिटिव फैक्टर है और नेगेटिव चार्ज के अंदर कोई नेगेटिव फैक्टर है। There is no such thing like a positivity or negativity of a particular charge. It's basically a sign that we gave to distinguish between them. Unko different karne ke liye ki bhai inka nature ek dusre se alag hai. Sirf isliye humne ek ko plus aur ek ko minus diya. Positive charge humne allocate kiya proton ko. And negative charge humne allocate kiya tha electron ko. By nature इन दोनों का चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट है। हैव इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स दोनों के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट चार्ज एग्जिस्ट। हम क्या करते थे आपको अगर याद हो तो, हम कहते हैं प्रोटॉन पे सर चार्ज है प्लस वन का और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस वन। अच्छा, ये जो प्लस वन माइनस वन है ना, ये रिलेटिव का मतलब ये है कि भाई कंपेयर अगर किया जाए तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैल्यू में इक्वल है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैल्यू में इक्वल है, लेकिन नेचर वाइज ऑपोजिट।
लेकिन ये वन इसकी वैल्यू नहीं होती। अब जैसे हर चीज का एक ऐसा यूनिट होता है, जैसे मास किलोग्राम में है, डिस्टेंस मीटर में है, तो इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास जो चलो के चार्ज होता है इसका भी एक यूनिट होता है। इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब। कैपिटल सी, जिसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आप इसको ऐसा यूनिट पढ़ते हो कूलम्ब। तो अगर कोई मुझसे पूछे ना सर प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, मैं ये थोड़ी बोलूंगा उसमें 1 कूलम्ब का चार्ज है, गलत है। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है अगर उसकी वैल्यू देखो वो है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्ब। यह प्रोटॉन का चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे बिल्कुल इतना ही है लेकिन ऑपोजिट है। -1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 इक्वल चार्जेस बट ऑपोजिट। तो ये हमारे पास याद रखना बेटा, ये जो +1 -1 हम लिखते हैं ये +1 -1 कंपैरिजन है। +1 और -1 इसीलिए तो दिया गया उसको कि भाई देखो ना दोनों सेम थे, एक प्लस में था एक माइनस में था। तो हमने कंपैरेटिव चार्ज बोल दिया कि भाई ऐसे बोल दो आप कि एक वन है, दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के इसलिए वन है। अच्छा अब सवाल आया कि सर 2 2 भी तो बोल सकते थे, आप ऐसे लिख देते प्रोटॉन +2 इलेक्ट्रॉन -2, वन ही क्यों? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज किसी का नहीं। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दे हैव द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्जेस। देयर इज नथिंग स्मॉलर देन 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। देयर इज नथिंग स्मॉलर देन दैट। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू इज अ 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। इसीलिए हमने बोला कि देखो जिस भी बॉडी का चार्ज होगा वो इससे ज्यादा ही होगा, तो इसके चार्ज को कर दो 1। अगर 2 प्रोटॉन्स होंगे तो +2 कह देंगे, 3 प्रोटॉन्स होंगे +3 कह देंगे, 5 प्रोटॉन्स होंगे +5 कह देंगे, ये वाला मान। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के अंदर भी कि भाई अगर किसी बॉडी में 4 इलेक्ट्रॉन है -4, 5 इलेक्ट्रॉन है -5, इस तरीके से हम इस चीज पे वर्किंग करेंगे। तो वो जो वन कहने का रीजन था ना वो जल्दी इस पर्सपेक्टिव के थ्रू ही है। अच्छा अब थोड़ा सा हम बात करते हैं चार्ज से हटके, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप बात करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड पे, देखो फील्ड का जो वर्ड है, फील्ड एक थ्री डायमेंशनल एनवायरनमेंट को कहा जाता है, एक सराउंडिंग का एक रीजन, एक जगह। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं ऐसे कि भाई इट्स अ रीजन इन स्पेस, एंड विद स्पेस आई डोंट लिटरली मीन आउटर स्पेस, अ रीजन इन स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। सही, एक ऐसा एनवायरमेंट, एक ऐसा थ्री डायमेंशनल रीजन किसी चार्ज के अराउंड कि अगर वहां कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उसमें फोर्स लगना शुरू हो, उस जगह को, उस एनवायरमेंट को आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते। और ये चार्ज बॉडीज के अराउंड क्रिएट होती है। चार्ज बॉडीज के अराउंड किस तरह क्रिएट होती है कि भाई अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी मैं यहां पे इसके चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दूं,
तो ये मेरे पास अगर मिसाल के तौर पे एक चार्ज बॉडी है, एक को मैं पॉजिटिव बनाता हूँ और एक को मैं नेगेटिव बनाता हूँ. लेट्स से दिस वन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वन इज अ नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड को आप शो करते हो यूजिंग एरोज. पॉजिटिव चार्ज में से यू शो फी लाइन्स कमिंग आउट. इन नेगेटिव में यू शो फी लाइन्स गोइंग इन. बट रिमेंबर, फिजिक्स में हम जो भी करते हैं उसके पीछे एक रीजन होता है. वी जस्ट डोंट डू थिंग्स फॉर जस्ट द सेक ऑफ डूइंग इट. हमने अगर फील्ड लाइंस को पॉजिटिव में से बाहर और नेगेटिव में अंदर जाते हुए शो किया है तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट व्हाई वी हैव डन. देखो याद रखना कि दीज एरोज दे रिप्रेजेंट समथिंग. दीज एरोज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन. लिख देता हूं मैं यहां पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स. जिसको आप एरोस कह रहे हैं रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. किस चीज पे फोर्स? ऑन अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज. ऑन अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज पे कहां फोर्स लग रही है? इफ आई हैड अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर प्लेस्ड क्लोज. आपको एक बात तो पता ही है, मैं यार एक भी देता हूं, ये बात हमारी रह गई थी कि भाई लाइक चार्जेस रिपेल. एंड अनलाइक अट्रैक्ट. Like charges repel and unlike charges attract. अब पता है जब अगर आप इस बड़े पॉजिटिव चार्ज के नजदीक एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो आपको पता है ना कि this like charges repel one another. इस पे जो फोर्स लगेगी that will be outwards. इसीलिए आपने सारी फील्ड लाइन्स बाहर बनाई है. These arrows are representing you the direction of forces. Force which is experienced by a positive charge. अब फॉर दोज उसे वाई पॉजिटिव सर कुड हैव बीन लाइक कुड इट हैव बीन लाइक अ नेगेटिव चार्ज एज वेल. ऐसा नहीं कर सकते थे हम, माइनस चार्ज ले लेते. हमने प्लस पे क्यों शो किया? द पॉजिटिव चार्ज वॉज टेकन एज अ रेफरेंस. आपको प्लस या माइनस दोनों में से किसी एक को रेफरेंस चार्ज बनाना था. अब आप वो किसको बनाते ये मर्जी थी. पॉजिटिव उन्होंने एज अ रेफरेंस पिक किया. तो आज हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ते हैं वो पॉजिटिव के रेफरेंस से पढ़ते हैं. अगर उस वक्त के साइंटिस्ट ने माइनस को एज अ रेफरेंस उठाया हुआ होता तो आज मैं आपको उल्टी फील्ड लाइंस पढ़ा. मैं बोलता भाई पॉजिटिव में से फील्ड लाइंस बाहर नहीं, पॉजिटिव में फील्ड लाइंस अंदर आती है, नेगेटिव से फील्ड लाइंस बाहर जाती है. आई वुड हैव टॉट यू द एंटायर ऑपोजिट. अगर एक नेगेटिव के नजदीक एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लाया जाए सही तो फोर्स लगेगी इनवर्ड्स क्योंकि इट्स कैन बी एन अट्रैक्टिव फोर्स. ये चार्ज बॉडी अंदर की तरफ आएगी तो इस वजह से सारी फील्ड लाइंस नेगेटिव में अंदर. तो जो साइंस है फील्ड लाइंस के पॉजिटिव नेगेटिव होने की, यानी इनवर्ड एंड आउटवर्ड जाने की, वो रीजन ये these arrows they represent the direction of force on a positive charge. When you're drawing these field lines I want you guys to take care of a few things. jab bhi kabhi charge banane charge ki field line banane ko aa jaye na positive negative ki to
एक आध दो बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात, कि भाई वाइल ड्राइंग फील लाइंस द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज यू हैव टू ड्रॉ द एरोज इन द राइट डायरेक्शन। जिन चीजों पे आपको मार्क मिलते हैं ना, मैं वो बातें बताऊं। करेक्ट डायरेक्शन ऑफ एरोज, कि भाई पॉजिटिव में से फील लाइंस बाहर दिखनी चाहिए, नेगेटिव में अंदर। कभी कभार होता है पेपर में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप फील लाइंस उल्टी बना दो, आप पॉजिटिव में इनवर्स और नेगेटिव से बाहर बना दे, ऐसा नहीं कीजिए। सेकेंडली वो ये देखना चाहता है कि फील लाइंस शुड बी रेडियल। रेडियल फील लाइंस का मतलब ये होता है दे शुड अपीयर एज इफ कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ट, रेडियस से निकलती भी है। ये दो बातें हैं जिसका आपने ध्यान रखना होता है। देखो मैंने कोई भी फील्ड ऐसे नहीं बनाई जो ऐसा लग रहा होगा जो आड़ी टेढ़ी जा रही है। आड़ी टेढ़ी फील लाइंस कैसे बनती है मैं आपको दिखाऊं। कभी कभार ना पता नहीं क्या होता है स्टूडेंट्स को, किस बात की जल्दी होती है, वो फील लाइंस ऐसी बनाते हैं बस बाहर निकलते हुए शो करना था जैसा चाहो बना। नहीं भाई ऐसा नहीं करना होता। इफ यू हैव टू जो फील लाइंस कमिंग आउट ऑफ अ पॉजिटिव, तो उसमें कुछ उसूल है। योर फील लाइंस मस्ट बी रेडियल, यू शुड ड्रॉ देम एज इफ दीज लाइंस आर कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ट। ऐसे बनाओ जैसे सेंटर ऑफ द चार्ट से निकलती हुई आ रही, कोई सी भी बनाओ ऐसा लगना चाहिए जैसे चार्ट के सेंटर पे जा रही है। अंदर ना बना देना, सही अंदर नहीं बनाना, बनाना तो बाहर से ही, लेकिन यू शुड ड्रॉ देम इन अ वे एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम द सेंटर। मेरी सारी फील लाइंस देखो, दे ड्रॉन एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम द सेंटर। रैंडम मैं नहीं कर सकता था कि स्केच आज टेढ़े पर बना देता जैसा जैसा, आई वुड नॉट गेट अ मार्क फ्रॉम दैट। And make sure these are lines. Some of you, what you guys do, you guys curve them for no reason. You're not supposed to curve them better. They are lines. Make sure these are lines. Scale use कर लेना है। आप में से अगर कोई है जो पिकासो की inheritance वाले मामला रखता है कि drawing जगह नहीं, मैं तो सर आप देखें free hand straight line मेरी, आप like you'll be flattered, and then I have no issues in that. As far as the line that you draw appears to be a line and not a curve, I am all good with that. Next step, जब आपने बात सीखी कि भाई light charges repel and light charges attract, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इफ यू हैव प्लेस टू पॉजिटिव चार्जेस इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर, हाउ वुड देयर फील्ड लाइंस लुक लाइक। मींस इफ आई हैव टू पॉजिटिव चार्जेस और वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, तो वो कैसे लगे। तो भाई लेट्स से मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रख दिए, and I have to draw the field lines of them. Field lines कैसे बनेंगे? देखिए दोनों में से positive field lines बाहर ही आ रही हैं। इनका जो resultant create होता है, ऐसा देखो। Looks like spider legs.
इनको ड्रॉ करते हुए भी देखो मैंने कोशिश क्या की, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि बस मैं इस तरह से शो करूँ कि जैसे ये फील्ड लाइंस चार्ज के सेंटर से निकल। आप इनको भी ड्रॉ करते हुए इसी बात की कोशिश करते हो कि द फील्ड लाइंस मस्ट अपेयर टू बी कमिंग आउट फ्रॉम द सेंटर। इनके दरमियान में ये पॉइंट आता है, दिस पॉइंट इज नेम्ड एज नल पॉइंट। इस पॉइंट को आप नल पॉइंट बोलते हैं। This place is called null point. Null point की खास बात बताऊँ क्या है? देखो the word null, null means zero. ठीक है? Math में आप पढ़ते हैं ना null vector, something that doesn't have anything inside it, it's a null vector or a null set. Right? इसी तरह null point is actually a place where no electric field exists. Point at which no electric field exists. That's a null point. और ये बिल्कुल बीच में आता है अगर दोनों charges equal. See, it's in the middle if both of them are equal charges. So it is in middle if the charges are equal. अब जैसे मेरे बच्चे आपने दो light charges के दरमियान बनाया, आप देखो ना इनमें लग भी रहा है repulsion. The fields don't add up with one another. They're not combining. तो इनको करीब लाने की कोशिश भी करूंगा ना अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से. These field lines won't merge. See, so they'd always try to like push the charges away. Back in my O level, मैं बताऊँ क्या सोचता था इनको देख के. They're like springy metals, like flexible metal strips. और मैं इनको करीब लाऊंगा ना तो these strips will like join and will try to push the spheres back. मैं अपने दिमाग में इनको ऐसे imagine करता हूँ. मतलब everyone has their own way of remembering stuff ना. I used to remember it using this. तो मेरे ध्यान में रहता था कि अच्छा हाँ यार positive अगर like हैं तो हमारे पास इस तरह से बनना आना चाहिए. Negative का भी ऐसे ही बनेगा. The only difference would be कि बजाय बाहर जाने के you're supposed to show them inwards. Arrows rolte honge uske. The field lines won't be going out. The field lines would actually be coming in. हाँ ये बात है कि भाई if अगर आपके पास दो unlike charges हो, then how would things appear? That what if one was positive and one was negative? उसकी फील्ड लाइन कैसे आएगी? वो भी आसान है. दैट्स नॉट डिफिकल्ट आइदर. तो उसको फिगर आउट करने के लिए हाउ वुड इट एक्चुअली लुक लाइक, आप देखो पॉजिटिव में से फील्ड लाइन निकलती है, नेगेटिव में एंटर होती है. तो मैं क्या कर सकता हूँ अगर मैं उनको करीब लाता हूँ ना तो इनकी फील्ड लाइन जुड़ जाता है. क्या मतलब? पॉजिटिव में से फील्ड लाइन बाहर आ रही थी, नेगेटिव में फील्ड लाइन अंदर जा रही थी. व्हेन यू गोना ब्रिंग देम टुगेदर दीस फील्ड लाइंस विल जॉइन बिकॉज़ दे वर इन द सेम डायरेक्शन. तो पॉजिटिव से नेगेटिव की फील्ड लाइंस आपको कुछ ऐसे दिखे. ये कर्व इसलिए है क्योंकि आपके पास फील्ड लाइन को 90 डिग्री पे निकलना है और 90 डिग्री में ही एंटर होना. मतलब ऐसे निकलना है जैसे सेंटर से आ रही है और ऐसे एंटर होना जैसे सेंटर में जा रही है. और ये आपको हर फील्ड के साथ करना है.
या आपके पास पॉजिटिव की फील्ड्स ज्यादा मार्क की आती हैं, तो आपको चार्ज के बैक पे जो फील्ड्स हैं वो भी बना के दिखानी, और वो कर्व हुई भी होती है इसमें, क्योंकि वो मिल तो रही होती है नेगेटिव वाले से, लेकिन बहुत दूर से मिल रही होती है। बहुत दूर से मिलने का रीजन मतलब ये है कि भाई दे वुड ऑल्सो मीट, लेकिन इतने आगे से घूम के आई होंगे, इतना बड़ा बैठ के कौन बनाए, हमारे पास इतना फ्री टाइम थोड़ी होता पेपर, या भाई हम हर फील्ड जो है वो बना के दिखा रहे, हम कुछ बना के दिखा देते जो एग्जामिनर को रिक्वायर्ड होती है, और बाकी को हम ब्रोकन रखते हैं कि वो अंडरस्टूड है कि भाई दे वुड हैव जॉइंड फ्रॉम समवेयर। ये आपके पास अनलाइक चार्जेस के दरमियान, इसमें कोई नल पॉइंट नहीं है, इसमें कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ फील्ड जीरो, लेकिन इसको बनाने के कुछ चेक पॉइंट जरूर है जिसपे एग्जामिनर की कड़ी नजर होती है कि वो देखता है कि आर दीज पॉइंट्स लाइक वेरीफाइड, क्या बच्चे की फील्ड लाइन में ये चीजें दिख रही हैं, जैसे कि सबसे वन नंबर वन करेक्ट डायरेक्शन, डू वी सी करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, सही। दूसरी चीज वो ये देखता है भाई क्या गैप आपने फील्ड लाइंस के दरमियान में बढ़ाया या नहीं। गैप से मुराद इस गैप को और इस गैप को देखो, डेलिब्रेट इंक्रीज है, डेलिब्रेट मैंने जानबूझ के कही, इसके पीछे एक रीजन है। वो ये देखता है कि भाई गैप बिटवीन फील्ड लाइंस शुड इंक्रीज, ऐसा क्यों है, वाई डू द गैप बिटवीन द फील्ड लाइंस इंक्रीज। देखो गैप ही आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताती है, गैप बिटवीन जैसे डायरेक्शन से एरो की डायरेक्शन से आपको फोर्स की डायरेक्शन मिलती है ना, वैसे ही द गैप बिटवीन फील्ड लाइंस टेल यू द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। See, the gap between the field lines tell you about the strength of the field. और कैसे बताता है? वो ये बताता है कि भाई if you have less gap between field lines, this means you have a strong field. And if you have more gap between field lines, we need to show that the strength has decreased. जब आप charges से दूर जाते हो ना, तो yield की जो strength है वो कम हो जाती है। Imagine combing your hair, आपका hair और आपका comb दोनों charge हुआ। You see the hair attracting to the comb. If you bring the comb closer, करीब लाओगे तो तुम्हें attraction नजर आ रही होगी। You'll see your hair clinging to the comb. लेकिन अगर दूर रखा हुआ होगा comb, उस वक्त तुम्हारे बाल उसके करीब नहीं जा रहे होंगे। जितना करीब लाओगे उतनी डिफ्लेक्शन देखोगे अपने हेयर के अंदर। ये किस बात को शो कर रहा है? इसी बात को शो कर रहा है कि व्हेन यू आर क्लोजर टू अ चार्ज फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, बट व्हेन यू आर डिस्टेंट द फील्ड इज वीक। जितने नजदीक होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड, जितने दूर होंगे उतनी वीक। सो यू हैव टू शो अ डिक्रीज ऑफ गैप, क्योंकि व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम द चार्जेस द फील्ड गेट्स वीकर एंड वीकर। जो थर्ड चीज है आपके पास, थर्ड है आपके पास 90 डिग्री वाला मामला, द फील्ड लाइंस मस्ट बी रेडियल। रेडियल फील्ड लाइंस का मतलब ये है, फील्ड लाइंस ऐसे आनी चाहिए जैसे सेंटर से आ रही हूं निकल। आप ऐसे ना बना दीजिएगा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान में एक ये बनाई एक ये जोड़ दी,
ये गलत है, ऐसे नहीं ज्वाइन करना है आप, दिस इज रॉन्ग, या आपने ऐसे बस यू बना दिया, ये बना दिए कि ये बना, ये गलत फील लाइन्स, डोंट ड्रॉ दैट। सिमिलरली मेरे बच्चे, आपके पास दो मेटल प्लेट्स के दरमियान में भी फील्ड बनवाई जा सकती, दो पैरेलल मेटल प्लेट्स, पैरेलल मेटल प्लेट्स के अराउंड अगर आप फील्ड बनाओ तो कैसी बनेगी आपको हम सिखा। जैसे हमारे पास एक बैटरी है जो हमने कनेक्ट की, प्लेट्स के साथ, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये बैटरी का नेगेटिव, कनेक्शन करने की वजह से ये प्लेट हो गई आपकी पॉजिटिव प्लेट और ये प्लेट हो गई नेगेटिव। क्यों हुई भाई? इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने, क्योंकि आपको पता है लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस वाला मामला कि भाई लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो इस प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो बैटरी के पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किए और नेगेटिव ने रिपेल करके इस वाली प्लेट पे डिपॉजिट करा। इस प्लेट में हो गए इलेक्ट्रॉन्स कम, इसलिए ये हो गई पॉजिटिव। इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप केमिस्ट्री से पढ़ते हुए भी आए होगा कि भाई अब बॉडी बिकम्स पॉजिटिव व्हेन इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक न्यूट्रल बॉडी में हमेशा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बैलेंस होती है, तभी तो वो न्यूट्रल है। लेकिन जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर जाता और आपको बॉडी पॉजिटिव नजर आती है। और अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्जेस डाल दिए जाए, डिपॉजिट कर दिए जाए, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसीलिए आपको वो बॉडी नेगेटिव देती है। तो अगर हमें फील्ड लाइंस के दरमियान, मतलब आपके इन दो प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी हो, तो मेरे बच्चों ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसे दिखेंगे। हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ऐसी बनती इक्वल गैप, फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है लेकिन गैप इक्वल, एंड की जो है वैसी होती कर्व। कॉर्नर वाली फील्ड लाइंस कर्व, ये दो पैरेलल मेटल प्लेट्स के दरमियान, इसमें ये जो दरमियान वाला है ना, दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट बट नॉट अ कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी एक हल्का सा इंट्रो हुआ है, ये जो आपके पास दरमियान में रीजन है ना, अगर मैं इसको शेड कर दूं आपके लिए, ये वाला जो रीजन है, ये जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको आप कहते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का दूसरा मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, यहां हर जगह एक जैसा फील आता है,
कहीं स्ट्रॉन्ग कहीं वीक वाला मामला नहीं होता, फील्ड हर जगह एक जैसी स्ट्रेंथ। सो दिस प्लेस इज एक्चुअली अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो ताकि मैं वो क्लियर कर दूं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को खासतौर पर इंसुलेटर को कैसे चार्ज किया जाए, इस बात को समझने के लिए कि इंसुलेटर को चार्ज कैसे किया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए किसी बॉडी पे चार्ज अपेयर क्यों होता है। अब तो मुसाफिर इट गोना टेक सम टाइम, वो बहुत बड़ा है, इट्स द लार्जेस्ट सेक्शन एक्चुअली, दिसंबर तक लग जाएगा हमारा आराम से। जब आप बात करते हो चार्जिंग एंड इंसुलेटर की ना, तो आप सबसे पहले ये बताते हो कि भाई अ बॉडी अचीव चार्ज due to the imbalance of number of protons and electrons say protons electrons ka balance kharab hone ki wajah se aapke kisi body ke upar jo hai wo charge aata hai, aur कैसे आता है कि भाई इफ अ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं ना उसमें, तो नेगेटिव कंपोनेंट है वो डिक्रीज हो जाता है, तो लाजिम बात है पॉजिटिव डोमिनेट करते हैं। और इसी तरह से इफ अ बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन्स तो उस पर नेगेटिव चार्ज है, और बॉडी सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही गेन या लॉस कर सकती है, इसके अलावा और कुछ गेन नहीं होता भाई, वो प्रोटॉन्स गेन या लूज नहीं कर सकती क्योंकि प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में होते। आपको अगर प्रोटॉन ऐड रिमूव करना है तो आपको न्यूक्लियस ब्रेक करना पड़ेगा, न्यूक्लियस ऐसे ब्रेक नहीं हुआ करते, न्यूक्लियस ब्रेक होने का मतलब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, आपने फिजन रिएक्शन करवाया। So to add or remove a proton, it's not that easy. Things like this don't happen. Like commonly, जगह-जगह nuclear explosion नहीं हो रहे होते हमारे पास. So if a body loses electrons, it becomes positive. If it gains electrons, it becomes negative.
और ये बात भी मैं लिख देता हूँ कि अ बॉडी कैन ओनली गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन्स एड रिमूव नहीं हो सकते. ठीक है भाई, ये बात क्लियर है यहाँ तक? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ. आई एम कीपिंग द लेसन टिल हियर. इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर इसको हम छोटी सी बातें कंप्लीट करते ही इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो स्टार्ट कर दें. ऑलराइट, ख्याल रखना मेरे बच्चों अपना. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.